हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्रॉनी प्लेट डायनोमीटर को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है रोग प्लेट डायनोमीटर। रोग प्लेट डायनोमीटर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करें, इसमें रोब्स होती हैं, इसके साथ साथ इसमें फ्लाईव्हील या पुली होती है जो कि इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। इसमें जो रोप्स होती है उसके एक एंड में हम स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं और दूसरे एंड में हम एक डेड वेट का यूज करते हैं। इसमें हम वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द रोप ओवर द फ्लाईव्हील। वुडन ब्लॉक आर प्लेस्ड एट इंटरवल्स अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लाईव्हील। तो हमें स्लिपिंग रोकनी होती है रोप्स की फ्लाईव्हील के ऊपर, इसलिए हम इसमें वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं। ये फिगर है रोप ब्रेक डायनोमीटर का, आप ये देखिए, इसमें रोप है, ये रोप इस तरीके से आकर फ्लाईव्हील में होती है और एक एंड में इसमें डेड वेट लगा हुआ। अगर हम इस रोप की बात करें, इसका साइड व्यू देख रहे हैं हम, फ्लाईव्हील का साइड व्यू, जिसमें हम दो रोप देख रहे हैं। तो ये दो भी हो सकती है, ये तीन भी हो सकती है, ये चार भी हो सकती है, या सिंगल रोप भी हो सकती है। वुडन ब्लॉक है जो कि इन रोप्स की स्लिपिंग को रोकेगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ कूलिंग वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई होता है तो कुछ हीट जनरेट होती है। इस हीट को डिसिपेट करने के लिए हमें कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। इन द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक द इंजन इज मेड टू रन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। द फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू रोप मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द इंजन। ये इसकी वर्किंग है। फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है ड्यू टू रोप वो इक्वल होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द इंजन। डेड वेट जो भी रीडिंग आ रही है उसको न्यूटन्स में लेंगे और डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को हम न्यूटन्स में लेंगे और कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। डायमीटर ऑफ व्हील को हम मीटर में लेंगे और कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। डायमीटर ऑफ रोप को मीटर में लेंगे और स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। स्पीड ऑफ द इंजन हम आरपीएम में लेंगे और कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। अगर हम नेट लोड की बात करें, नेट लोड ऑन द ब्रेक जो कि होगा लोड माइनस स्प्रिंग बैलेंस के बराबर न्यूटन्स में, ये न्यूटन है। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस मूव हो रही है उसकी अगर हम बात करें तो वो होगा पाई इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। कैपिटल डी है फ्लाईव्हील के डायमीटर और स्मॉल डी है आपके रोप के डायमीटर। वर्क डन पर रिवॉल्यूशन इक्वल टू दिस नेट लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड डब्ल्यू माइनस एस पाई डी प्लस डी इन न्यूटन मीटर। वर्क डन पर मिनट इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एस पाई डी प्लस डी इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड यूनिट इज न्यूटन मीटर। ब्रेक पावर ऑफ इंजन इक्वल टू, यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट रिजल्ट है। ब्रेक पावर इक्वल टू वर्क डन पर मिनट जो यहाँ पर हमें मिला है उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ब्रेक पावर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी डब्ल्यू माइनस एस पाई टी प्लस डी एन अपॉन 60 इन वॉट्स। अगर हम डायमीटर ऑफ रो जो कि काफी स्मॉल क्वांटिटी होती है अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो ब्रेक पावर क्या कितना हो जाएगा, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन से रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा ब्रेक पावर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एस पाई डी एन अपॉन 60 वॉट्स। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन थी
जिसके थ्रू हमने ब्रेक पावर की वैल्यू निकाली है रोप ब्रेक डायनेमोमीटर के लिए। थैंक यू गैस, ये था रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। आगे हम और भी डायनेमोमीटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।